सफलता और संतोष। ये दो चीजें अलग अलग हैं। बहुत सावधानी से इसका स्मरण करें। सफलता और संतोष ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। सफलता मिल जाना सरल है, बहुत सरल, पर संतोष धारण कर लेना ये बहुत कठिन है। सफलता मेरा भोलेनाथ सबको दे देता है, सबकी दुकान व्यापार व्यवसाय काम धंधा चार चांद लगा सकता है, सबके जीवन में बहुत खुशियां मेरा भोलेनाथ दे सकता है, बहुत बहुत कुछ मेरा शंभू मेरा ओघड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी मेरा विनाशी मेरा कुबेर भंडारी बहुत कुछ दे सकता है। सफलता सबको मेरा बाबा दे सकता है, पर संतोष मेरा बाबा सबको नहीं देता। आप सबने सुना होगा भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। जितने पंडाल में बैठे हो, एक दो तीन पीछे वाला चार अंदर के पांच और छह जितने पंडालों में लोग बैठे हुए हैं, भोजनशाला भोजनशाला के भी पंडालों के पास का पंडाल, और आप लोगों की संख्या को देखकर आज शाम तक रात्रि तक ऐसा ही एक पंडाल और पीछे लगाया जा रहा है जिससे आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। हमने कलकत्ता में कहा था पिछले वर्ष से दुगनी संख्या में आप लोग यहां पहुंच गए पिछले वर्ष, और अब की बार जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली है पार्किंग की, और सबसे बड़ा बात यह है कि जितने लोग यहां पहुंचे हैं वो यहीं पर आराम से टेंट में पंडाल में कंकर शंकर की भूमि पर रुक रहे हैं। कोई वापिस पलट कर ना सीहोर जा रहा है, ना इछावर जा रहा है, ना आष्टा जा रहा है, सबको पंडाल में रह रहा है। जो वहां होटल बुक कर रहे थे वो भी होटल वाले भी पंडाल में रह रहे हैं, जो धर्मशाला में रह रहे थे वो भी पंडाल में रह रहे हैं। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। संतुष्ट मिल गया ठीक, बेटियों बहनों माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी, कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, वही शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं, रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे अपने भक्तों के दुख को देखकर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों में से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भराता है, रुद्र है। एक दोस्त दोस्त के लिए रो रहा है वो रुद्र है। एक बहन बहन के लिए रो रही है वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है वो रुद्र है, और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है वो रुद्र है। रुद्र केवल वो नहीं है कि अब जो जिसने क्रोध करा वो रुद्र हो गया, ना ना ना, पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहे।
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफों को देखकर खुद भीतर से तकलीफ महसूस कर, वो रुद्र है। उसके नैनों में जल है, हमने देखा है। हमारे कथा का स्मरण तो नहीं आ रहा कि कौन सी जगह की थी, पर शायद अभी दो चार कथा के, पांच कथा के अंदर की ही कथा हो, गर्भवती नारी कथा में आई थी। 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा था, और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा, और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कथा में पहुंच गई। कथा प्रारंभ हुई, उसको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थी, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है, जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है, इनका स्नेह। उसको प्रसव पीड़ा गया था। शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई हैं, या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस मां को प्रसव पीड़ा था। 40 गांव, हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गई, 40 गांव, ठीक 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 है, बैठिए, आ गई आ गई, 40 गांव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना, और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई, और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा में, और भीड़ अपार। अब पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना, मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं जो समय पर, वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, वो गलत नहीं है। उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा, और उसका प्रसव पीड़ा जो थी उसके बाद में उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देव हरिदेव महादेव की कृपा से शंकर रखा। 40 गांव की वो कथा है, 40 गांव कथा चल रही है। दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर रुद्र है, शंकर क्रोधी है, शिव क्रोधी नहीं है। आप में से आज शिवरात्रि है ना, एलईडी चालू करवाओ, एलईडी। शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोधी नहीं है, कई लोग कह देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। ऐसा मत करो, शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो, शंकर को बुरा लग जाएगा, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए, कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी, और सारी कथाएं उठाकर देख लेना, एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट हो गए, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट होगा, आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना, हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ही नहीं कहा कि रुष्ट होते हैं भगवान शंकर, रुष्ट हो जाते हैं भगवान शंकर, क्रोधी हो जाते हैं। एक बार भी इस व्यासपीठ से वर्णन नहीं करा कि शंकर भगवान रुष्ट, और आप पूरी यूट्यूब को निकाल कर देखिए, बहुत सारे सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञान उपदेश देने वाले मिलेंगे, बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डाल कर रखी है, शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाएगा। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें, देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने, यूट्यूब पे डाला रहता है बहुत सारा। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो भी पर दे दे।
अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को, अब कौन सा दुष्ट हो गए शंकर जी। अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोले तुम आराम से सो रहे हो लेटे हो और तुम्हारे माथे पे कोई पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जा। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम भलभला रहे। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना, सूचना आ रही है, किसी ने पांव रख दिया तुम्हारे बेग पर तो तुम क्रोध में जाओ। ये पंडाल में ये लीला होती रहती होगी, हम भले पंडाल में नहीं दे रहे पर तुम्हारी मन की बात हम अच्छे जानते, कोई बेग पे लात रख दे ना तो गुस्सा आ जाए, कोई तुम्हारे सामान पर लात रख दे तो गुस्सा आ जाए। तुमने जितनी जगह बिछा के रखी है ना जिसपे तुम्हारा पट्टा है, जितनी जगह तुमने बिछा के रखी है तुम्हारा जिसमें पट्टा है 7 दिन का, पूरे 7 दिन तुम्हारी जगह को कोई खसका दे 1 इंच, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए और 1 इंच अगर खसक जाए तो दो दिन से 3 माताएं लगातार झगड़ा कर रही हैं। 2 दिन हो गए लगातार उनका झगड़ा चल रहा है और हम कैमरे में भी हम चाहें ना तो इसको एलईडी पे दिखा सकते हैं। 3 दिन से झगड़ा किस बात पे है कि वो तीनों की थाली एक जैसी है जो घर से लेके आए, और तीनों की थाली एक जैसी है और उसमें से एक थाली थोड़ी सी नई है और बाकी की 2 थाली पुरानी है। अब नई वाली वो तीनों अपनी अपनी बता रही है, तो मेरी थी और वो कहती है ये मेरी थी और वो कहती है ये मेरी थी, तीनों आपको दूसरी कथाओं में जितने कैमरे लगते हैं ना उन कैमरों में वॉइस नहीं आती, आवाज नहीं आती, मतलब आप जो बोलेंगे वो आवाज नहीं आएगी जितने कैमरे पंडालों में लगते हैं। पर इस कुबेरेश्वर धाम के पावन प्रांगण में जिन जिन पंडालों में टेंटों में मंदिर में बाहर गेट पर कैसे बोल रहे हो, कितनी निंदा कर रहे हो, कितना भजन कर रहे हो, अब तुम सोच रहे हो महाराज तो बाहर की बात दूसरी है, ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है एक एक चीज। और जितनी हमारे कैमरे में कैच है उससे ज्यादा मेरे कुबेर भंडारी के कैमरे में कैच है, उससे ज्यादा। बोलबम का नारा है सारी समस्या का हल, इसलिए सावधान इंडिया सावधान। अब तुम सोची होगी अब नहीं, तीनों बैठी है तीनों, कल दो थी और एक गायब थी पर आज तीनों बैठी, आज तीनों, और वो समझ गई होंगी अपन पकड़ाई में आ गया। एक जरा सा भी लात रख दे तुम्हारी 7 दिन के पट्टे की जगह पे रजिस्टर की जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाए तो तुम्हें कुछ होता जाए। अब जरा विचार करिए इतना इतना क्रोध तुमको आ रहा है, कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है पर मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे ओ गढ़दानी मेरे शंभु मेरे त्रिकालदर्शी मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए मैं तुझे देने को, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु तार, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर चपटी बबूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरण दिया शंभु तार। शिव कथा कह रहे आपको क्रोध आ सकता है
बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है, पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी भी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष, आशुतोष। आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी आप लोगों ने? एक शिकारी साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं था। शिवरात्रि की कथा था, धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। मारा। उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना? ना, शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं, वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं, बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है केवल, एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर किल, वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, लद दो, जो भी बनाते हैं, आप खा लें उसको, कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया, और कोई बच्चा माइंड से बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी रांग टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है, हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पर डले होंगे, यूट्यूब वगैरह, केवल शिवरात्रि का शहर,
शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा, थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 उन नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो, बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राय टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, और बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है, और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी राज तपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। कितना एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। बहुत आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, फ्लैट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले, आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है, दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली, आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12, बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं, प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे इसी भूमि पर, यही कुमारेश्वर बाबा के धाम पर, एक बाली में भी गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया गया, वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। प्रयास करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना एक बार, प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो, और तुम्हारे नगर में तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बता देना मत, जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे वहां पर भी भेज दे कि बाबा दिया कि ना दिया, यहीं से शुरुआत आप करो, अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो, मेरा शंभू दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल, उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है,
वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लता लूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों? पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकल जाएगा, सारी समस्या का हल। बोलबम का नारा है, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काट दया करीन दर्शन। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा, काली मिट्टी के बनाए बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के, पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। चढ़ाऊं लोटा जल भर के, पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के, बालू मिट्टी के बनाए पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान, पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान, ओ पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान, पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास,
भगवान। दूसरा वचन मांगसिया ने वर देना भगवान। ओ दूसरा वर जब मांगसिया ने वर देना भगवान। मिल गए रे शिव शंकर जैसे जेठानी गोरा पार्वती। मिल गए रे शिव शंकर जैसे जेठानी गोरा पैयासी। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मांगसिया ने वर देना भगवान। तीजा वर जब मांगसिया ने वर देना भगवान। ओ तीजा वर जब मांगसिया ने वर देना भगवान। तीजा वर जब मांगसिया ने वर देना भगवान। मिल गए रे पति श्री राम देवर भैया लक्ष्मण से। मिल गए रे पति श्री राम देवर भैया लक्ष्मण से। बालू मिट्टी के बनाए बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। 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 अपने स्थान पर बैठकर आज प्रदोष और शिवरात्रि का पावन अवसर दिल से बाबा को प्रार्थना करो। चाहे मंदिर प्रांगण हो, चाहे पंडाल हो, चाहे आस्था चैनल के सामने हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दुकान पर सुन रहे हो, घर पर सुन रहे हो, ऑफिस में सुन रहे हो, चाहे पंडाल में, चाहे टेंट में, जहां बैठकर सुन रहे हो, बाबा से बैठकर प्रार्थना करिए। दिल से अपने स्थान पर बैठकर भगवान से निवेदन भाव से। जिसको आता है साथ में बोलेंगे। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। दिल से जिसने पुकारा है जिसने दिल से उसको कहा उसने सुना केवल कहने वाला चाहिए और वो भी अच्छे से प्रेम बस धन से परमात्मा को नहीं जा सकता। भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है सरल है सहज है हम मानते हैं बहुत सरल है शिव सहज है सरल है। रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया आपको सुना है आप लोगों ने पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताया कि 9:15 पर आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका विलेख है शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो कंकर शंकर की भूमि पर हो आप तो हो कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठ कर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा से विनती कर जाना जरूर और फिर वापस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। और खाली ना जाता कोई दिल दिल से बोलिए जम के जरा आवाज आना चाहिए तुम्हारी हमारे तक खाली जाता कोई डर से तुम्हारे खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ उठा लो भोले अपने डर से अब तो ना टालो गिरी जा रही हूँ उठा लो भोले अपने डर से अब तो ना टालो गिरा जा रहा हूँ उठा लो कोई खाली नहीं दिल से पुकार दिल से बस यहां आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब जाओ सुधाम में जब आओ कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो सीहोर नगर की यह पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो। इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि यह कंकर नहीं है ये शंकर है जहां चल रहे हो बोल रहे हो। हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूँ और तेरे करीब हूँ। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे यहाँ का कंकर शंकर के आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा मेरा बाबा मेरे करीब।
हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नैनों से ओझल नहीं होता। वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता है, कोई दंडवत करता है। शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है उसको वो कुबेर बना देते हैं, अगर कोई भूल से भी उसको बज लेता है उसको भी निहाल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे, जितने दिल से रिझा सकता भाव से कहो उसको भाव। रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है, शुमा पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाना, उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना, ये 9:15 का उपाय भी इसके अंदर लिखा है। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज कहे, भले उपाय उपाय बताने वाला महाराज कहे, कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री ने शहर लगा के चिपका के जरूर आएगा, भले निंदा करेगा वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा का पर करेंगे। शिव चक्रवर्ती प्रजापति का आज आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए, आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए वहां, जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में मंदिर नहीं मिलता, बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का और उसकी पूजन कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं, वहां इतना विश्वास लोगों का जाता है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के इकलौते जल के प्रति। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके कर, विदेश के लोग भी शंकर की आराधना कर रहे हैं, आज प्रसन्नता है विदेश में बैठे हुए लोग भी शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं, आज प्रसन्नता है जो विदेश में भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री जाकर मंदिर का निर्माण कर रहा है, आज प्रसन्नता, आज विदेश में जाकर भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री मंदिर की ओपनिंग करे, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करे, उसकी आनंदता आज प्रसन्नता हो। तो फिर सब कुछ यही का तो है, फिर क्या लोग कहें गुरु जी फिर कभी ना जाओगे, हमने कहा जब मौका बाबा देगा, परंतु इतना याद रखिएगा शिव तत्व शंकर कंकर कंकर शंकर की स्मरण, शिव को पहचान, एक एक गेहूं के दाने में शंकर है, ये केवल शिवरात्रि का दिन केवल ये नहीं कि आप भोग और विलास में डूबे रहो, ना शिवरात्रि का दिन वो नहीं कि आपने विचार करा मेरा व्रत हो गया और मैंने भगवान शंकर को पा लिया, कुछ नहीं खाऊंगी आज मेरा व्रत है, उपास हरियाल भी नहीं करूंगी, उपास रोटी भी नहीं खाऊंगी, उपास, पर दूसरे के प्राण जरूर खाऊंगी, उपास। वो कैसे छोड़ सकते, सुबह से तैयार नैयार होके अपने बेग से टिक टिके, चोटी गुत गए, बाजू में पति, पति को पकड़ा दिया कांच, बेचारा पति कांच पकड़ के बैठ, थोड़ा ऊंचा चल, डब्बा बंद, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जो कुबेरेश्वर धाम ना मिलेगा। आज एक चीज और देखने को मिली हमें सब,
पति चलता था आगे, पत्नी उसका गमछा पकड़कर चलती थी। आज कुबेरेश्वर धाम पर उल्टा देखा, आज पत्नी चल रही थी और पति उसका पल्लू पकड़कर चल रहा था। तो तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। और हमारा मन तो था कि हम इसकी इसकी क्लिपिंग निकाल ले और एलईडी पर दिखाए, पर ना मन बड़ा बड़ा आनंद। और पत्नी हाथ में लोटा, अब पत्नी को तो सुध नहीं, वो चढ़ती चढ़ती इधर से उधर बैरिकेड में निकली, यहां वहां धक्का मारती, पति उससे कह रहे धीरे धीरे पत्नी। हमें तो वो एक लाइन याद आ गई, वो एक कौन सी फिल्म थी ना जिसमें वो चल रही थी, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़े, जीवन है अगर जय चले चले। कह लो उससे, कह लो, लोग कहेंगे शंकर शिवरात्रि ना, शिवरात्रि हमारे जीवन का ना जाने कितना सुख देने वाली है। व्रत उपास किया ना किया, साधना करी ना करी, आराधना करी ना करी, नेत्र बंद करके बैठे ना बैठे, कुछ खाया पिया ना, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से जिभ्या से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें, दिल से जब हम उसको पुकार लें, शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर करे हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला कर करे भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे, आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में, खूब खूब लोग दिखेंगे तुमको, नजर आएंगे, देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की बैसर में उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है, क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है, क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है, आपके भी अंदाजे में नहीं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, बोले बाबा दया करना, ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास की जागरूकता बढ़े, जब विश्वास की जागरूकता बढ़ेगी तो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होगी। शिवरात्रि की कथा कर रही है शिव महापुराण, कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में लूंगा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही, हम बहुत जगह जाते हैं प्रार्थना करते हैं निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं प्रार्थना करते हैं निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरु जी, बहुत कर्जा,
बहुत कर कर हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध एक बेलपत्र जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख जलाधारी की डंडी की जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख जैसे जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर कुछ मात्रा हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है शिवजी को जल चढ़ाया जाता है तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना प्रयास करना शक्कर डाल दी कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिया मिला दिया ना जल भरा जल में कुछ आ गया उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है वृक्ष से तोड़े हुए फूल और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता जमीन पर गिरा हुआ फूल कौन सा बताया था पारिजात उस फूल को तोड़ा नहीं जाता वो फूल जमीन पर गिरना चाहिए जमीन पर गिरेगा उठाओगे तब शंकर को चढ़े पारिजात का फूल पारिजात का पुष्प पुष्प का एक नियम है आप वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया तुम्हारे पास बाल्टी है कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें फूल डाल दिया तुमने वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा और मैंने तेरे ही भर बाबा तेरे ही भर से आप विश्वास के साथ उसको भजोगे उसको विश्वास के साथ रमोगे वो प्राप्ति अगर हमने फूल फिर निवेदन है दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना बहुत पर जा चुक ही नहीं रहा आज शिवरात्रि है पांच शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना पांच शिवरात्रि मात्र पांच के बाद में फिर अपन बात करेंगे तुम्हारे नगर में जब कथा हो तुम्हारे आसपास में कथा हो तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि पांच शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला पांच शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है दूध में शक्कर मिलाना शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी पर हाथ नहीं डाला चम्मच नहीं डाली फूल नहीं डाला उसको हिलाया नहीं गया यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है जिसमें जल भरा होता है जल का जो पात्र होता है शिव जी को जल चढ़ाने वाला अब हम क्या वर्णन करें बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो ना जाने कहां कहां कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना राम झारा देखा है आप लोगों ने एक इतना बड़ा कलश होता है उसमें एक टोंटी लगी होती है एक टोंटी लगी होती है उसको राम झारा कहते हैं कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते राम उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी उसमें से पानी डाल जल चढ़ रहा ना, 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 ना। ये जिसने तुमको अकल दिया ना शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा मेरे ठाकुर जी को मेरे राम जी को मेरे कृष्ण जी को भवानी माँ को सबको राम झारे से जल चढ़ा दो चल जाएगा मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता उसका कारण ये है आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते बना नहीं पर राम झारे से उसका केवल एक कारण है
राम झारे का जो जल होता है यहाँ से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरु जी भगवान शंकर को जल चलाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा, कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बता, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, कि शिव पुराण में जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ? नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, ना चांदी ना सोना मेरे भगवान के दिल में निवास करती है, ये बेलपत्र की बेलपत्र जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। दूध चढ़ाया, शक्कर मिलाओ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल ली, फिर बाद में जल चढ़ा, पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चला, फिर जल चला। वो जो दूध लेकर आया उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली मात्र, उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, एक उंगली जो लग जाए और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है, सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना, तो दूध की एक बूंद भी अगर आपने पांच शिवरात्रि कर लिया, पांच शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव ओगड़ी है, शंभू ओगड़ी है, दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है, आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज पाई, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गज गज आ जाए, नजर उतरवा लेना जी जी, नजर उतरवा लेना। जय हो शिव तत्व की प्राप्त, शंकर ओगड़ी है, शंभू ओगड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के, कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया, और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में बुलाऊंगा, जरूर जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय, मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं, अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा, मेरा शंभू बड़ी कृपा करता, उसको समझ में बहुत कठिन है, उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया, शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तुम क्या जानो, हम भी नहीं जानते,
उसका पहचान ना कर सकता। ये शिव तत्व उसके बिना पत्ता नहीं सकता, पत्ता नहीं। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जो जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अच्छा ईमानदारी से बोलो, चींटी नमक में जाती है क्या? जम के बोलो जरा, जम के। ठीक है, चींटी नमक में जाएगी? नहीं। नमक चेंज कर दो, काला नमक रख दो तो जाएगी, सेंधा नमक रख दो तो जाएगी? नहीं। चींटी हमेशा गुड़ शक्कर मिठास जहां होती है वहां जाती है। आप सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो, सबकी फैक्ट्रियां चल रही है, सब प्रोफेसर हैं, कलेक्टर हैं, आप सब, आपके बच्चे मिनिस्टर हैं, आपके बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप सब जितने बैठे हो सब प्रतिष्ठित हो, कोई कमजोर नहीं। या जितने बैठे हो लोगों को लगता होगा कि ये बैग लेके आ गई, पोटला बन के आ गई। नहीं, जो तुम्हें पोटला वाली दिख रही है ना, तुम्हारे पास जितना नहीं होगा उतना उनकी जमीन और जायदाद करोड़ों। इनको हल्के पुलके में मत लेना कि हल्के पुलके हैं तुमको लग जाए कमजोर है ना। और सब पढ़े लिखे, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला व्यक्ति कोई कमजोर नहीं होता। अगर यहाँ बाबा नहीं सुनता तो कोई आता? जम के बोलो जरा। आज पूरा साल 365 दिन लोग बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, भले रुद्राक्ष मिले ना मिले। पिछली बार रुद्राक्ष के चक्कर में लोग कह रहे थे कि रुद्राक्ष के चक्कर में आया, आपकी बार रुद्राक्ष नहीं मिल रहा। फिर अभी रात्रि से पंडाल लगना चालू हो जाएगा, बड़ा ऐसे ही पंडाल मंगवाया दूसरा, वो इस टेंट के पीछे लगना प्रारंभ हो जाएगा। केवल क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं, कोई कह दो सी और होटल में चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, वहां चले जाओ, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। और सबको यही कंकर संकट, सबको यही रहना, भले कुछ मिले ना मिले, व्यवस्था हो ना हो, टेंट लगा लेंगे, अपनी चादर ले लेके, तुम अंदर देखो तो सही है, तुम अंदर जाना मंदिर में। सबने अपना अपना तंबू लगाया, सब बैठे सब अलमस्त होके बेग में टांग टांग के, ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में तंबू लगा लगा के संत हों, जैसे अग्नि तपते हैं, सन्यासी बैठे रहते हैं, साधु बैठे रहते हैं, वैसे बैठे बस कुंभ के मेले में। और यहाँ के मेले में एक ही अंतर है, साधु सन्यासी बैठते हैं और तुम यहाँ के मेले में तुम बैठे हो। तुम किसी साधु से कम हो क्या? तुम्हारे सन्यासी से कम? धूप में गर्मी में हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से, अगर बन सके तो उधर जो ग्राउंड में जो पब्लिक धूप में बैठी हुई है, जो टेंट लगा लगा के बैठी है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से, वहां से भी कैच कर इनको बताओ। और जो बाहर धूप में बैठे हुए हैं, जो दीवालों पर चढ़े हुए हैं, जगह रत्ती भर नहीं, जो दीवालों पर चढ़े हैं, धूप में बैठे हैं, दीवालों वालों को तो तुम यहीं से कैच कर सकते, यहीं से बिल्कुल सामने कैच कर सकते। गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, उनको भी कैच कर। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर और होली। अगर कुबेर भंडारी सबको दे रहा है तो ही तो लोग यहां आ रहे हैं, वो देता नहीं तो आता। और लोग कहते हैं महाराज जी के चक्कर में आ रहे, तो महाराज तो रहता ही नहीं 365 दिन में, 65 दिन रहता, बाकी के 300 दिन गायब रहते। फिर निवेदन करेंगे, भगवान देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है झप्पर छप्पड़ फाड़ कर। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकाल दर्शन। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। गाएंगे नहीं, बैठ जाएंगे। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, दिल से पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसने। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है, कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है,
कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, पर वो गर्व से, गर्व से हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया, मैं गर्व से हूं, तो को क्यों मार रहे, मेरा बच्चा हो जाए मुझे मार, मैं गर्व से हूं मुझे मत मारो, हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा मैं आ जाऊंगा तब मुझे मार दे, ठीक है। गर्वी हिरण को छोड़ दिया शिकारी। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहां पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्व से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से, शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। साहूकार ने उसको बांधा कैसे था, जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था, बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बांधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना, बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चला। दो चीजें अपने स्मरण में लाइएगा, दो चीजें, एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देव अधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देव अधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पता, कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। कोई दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, अपने लगा लो कि राजा रहा उठा लो। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं, रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है, शंकर क्रोधी नहीं है, क्रोध किसको नहीं आता, मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा, सृष्टि उसने रची है, सृष्टि में अगर आप आए हो और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही, उसको रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। वो कहते हैं, मैं सब जानता हूं, नेत्र श्रु जो गिर रहा है, रुदन जो हो रहा है प्रेम के, उसको पाने के लिए, वात्सल्यता के, करुणता के लिए, उसके स्नेह के लिए, वो रुदनता, वो वात्सल्यता, वो नेत्रों में जल है, उसको पाने, उसको पाने। रुद्र वो नहीं क्रोध हो जिसको रुद्र का ना, शंकर भगवान का एक नाम आशुतोष है, आशुतोष। उसका मतलब है दुनिया को देने वाला, जो मांगा वो दे दिया, मौन शांति का प्रतीक, सत्यम शिवम शांति और सत्यता का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, भाव का प्रतीक, सहजता में जिसके अंदर एक आनंदता समाई, बोला आशुतोष भगवान की, तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, चार साल, छह साल, पांच साल, तीन साल लगे, पीछे लगे रहो, उसमें क्या ध्यान, किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर, जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन
लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते आप उसको रख कर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर नंदी का जो पांव होता है नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर इन दोनों में कोई भेद नहीं है दोनों में कोई भेद नहीं है दोनों एक ही मान मान नंदी का जो पांव ऊंचा होता है आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रखना किसी भी शिवरात्रि आज चाहो तो आज कर लो बाद में चाहो तो बाद में किसी भी शिवरात्रि और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे बाबा दो या तीन शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा आपको सफलता जरूर शिव तत्व के पर विश्वास के अनुकूल हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो खूब अच्छी मेहनत करो जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो अपनी मेहनत पूरी करना कर्म पूरा करना और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत हमारी लगन हमारा कर्म सफल जरूर होता है फिर हम पीछे नहीं आते खूब पढ़ो दिल से पढ़ो किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो खूब अच्छी पढ़ाई करो किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो दिल से पढ़ो तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की उससे ज्यादा पढ़िए और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए विश्वास करिए फिर वो एक बेलपत्री पर लगाया गया शेर उस पर भरोसा भी करिए शिव तत्व है खूब मेहनत करो आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो एक बेलपत्र लाल चंदन और सफेद जम के बोलो जरा पुष्प सफेद फूल कौन सा भगवान आशुतोष महा आशुतोष धीरे लगनता से मन से चित्त से भक्ति से शिव सुनेगा शंकर सुनेगा करो शंकर भगवान का नाम आशुतोष शिवाशुतोष कथा की शुरुआत में कहा था सफलता और संतोष ये दो शब्द है सफलता भगवान सबको दे देता है अच्छा पद दे देगा प्रतिष्ठा दे देगा ऊंची कुर्सी दे देगा आप धीरे धीरे प्रमोशन करते 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 बड़े बड़े औहदे पर बैठ जाओगे बड़े बड़े आप बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओगे बहुत बड़े औहदे पर बैठ जाओगे सफलता और संतोष ये दो चीजें परमात्मा ने दी है पर याद रखना सफलता तो भगवान किसी को भी दे देता है पर संतोष भगवान हर किसी को नहीं देता सफलता दे देगा आप ऊंचे पद पर पहुंच जाओगे ऊंचे औहदे पर पहुंच जाओगे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओगे इस कुर्सी से उस कुर्सी बढ़ते चले जाओगे सफलता मिल सकती है आपकी मेहनत आपकी लगन आपको सफलता दे देगी पर संतोष कहां से लेता है वो इसीलिए उसको आशुतोष कहा गया इसलिए उसको आशुतोष बोला आशुतोष कहा गया सफलता मिल सकती है पर संतोष और सबसे बड़ा धन है सबसे बड़ी पूंजी है आपका संतोष सबसे बड़ी पूंजी आपके भीतर का संतोष भोजन करने गए मान लो तुम भंडारे में भोजन करने गए चलो वो भी छोड़ो तुम तो यहीं की सुनो मान लो तुम्हारे पास में कोई बिस्कुट बांटने आया मान लो तुम्हारे पास कोई पानी की बोतल बांटने आया मान लो तुम्हारे पास कोई टॉफी देने के लिए आया कोई कुछ बांटने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा सब तो मिल गई तुम्हें नहीं मिली अब दो चीजें स्मरण करिएगा एक धैर्य रखिएगा दूसरा संतोष उसको एक मिली है ना उसको एक बोतल मिली है ना उसको एक बिस्कुट का पैकेट मिला है ना अगर तूने धैर्य रखा संतोष रखा तो ये पक्का है मेरे महादेव ने तेरे लिए कुछ ज्यादा अच्छा सोच कर रखा बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा मेरे महादेव ने संतोष परम धन है सफलता सबको मिल सकती है पर संतोष मेरा महादेव सबको नहीं दे सकता संतोष देता उसको है जिसको वो जान लेता है कि इसमें कुछ क्वालिटी है इसमें कुछ है वो संतोष
शंकर भगवान को लोगों ने गंजेड़ी कहा, भंगेड़ी कहा, शंकर भगवान को लोगों ने कितना कितना कहा, आज भी लोग पीछे नहीं हटते कहने में, ये तो गंजेड़ी है, तो भंगेड़ी है, तुम्हारा भगवान शंकर, शंकर भगवान तो ऐसे, तुम्हारे शंकर भगवान तो भांग पीते हैं, नशा बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, वो चिलम पीते हैं, वो दिखते हैं, अरे दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर ताने के सोइए, दुनिया के लोग कहते हैं, शंकर भगवान को जो नहीं जानता ना वही उंगली उठाएगा, जो शंकर भगवान को जान गया ना वो उंगली नहीं उठाएगा। और तेरी माया का ना पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने, कौन जान सकता, बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे एग्जाम दोगे, सफलता मिल जाएगी, पर निवेदन आपको सफलता मिले, निवेदन आप ऊंचे औहदे पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाएं, निवेदन आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, निवेदन आपको भगवान बहुत सफलता दे दे, बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच जाएं, पर एक निवेदन याद रखना, अपने भीतर संतोष रूपी धन, धैर्य रूपी धन और विश्वास रूपी धन कभी समाप्त मत होने दे, कभी समाप्त कई माताएं हमारे पास में आकर कहती हैं, मेरी सास ने पूरा के पूरा सामान हमारी बड़ी भाभी को दे दिया पर हमको रत्ती भर ना दी, हमने कहा तो क्या हो गया, अरे गुरुजी कम से कम सास की दृष्टि में तो बराबर का होना चाहिए ना, सास को तो सब चीज बराबर का सोचना चाहिए, एक ही एक बहू सोचती है उसको तो बहू को दिया जाती हमको कुछ ना दे, हम कहते हैं संतोष परम धन संभालो रखो चिंता ना करो, जिसको देना है देने दो, तुम्हारे ललाट पर तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे भाग्य में जो देवाधिदेव महादेव ने लिखा होगा उसको सास भी नहीं रोक सकती, ना ससुराल रोक सकता, ना दुनिया का कोई रोक सकता, जो लिखा है वो मिलेगा, जो लिख दिया वो प्राप्त होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा, इसीलिए तो आप लोगों से कहते हैं ओ लिखण वाले तू होके दयाले, लिखना मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, कानों में गुरु जी का शब्द लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु का प्यार लिखना, तेरो पे लिखना जाना गुरु द्वारे, तेरो पे लिखना जाना गुरु द्वारे, हाथों में गुरु की सेवा लिखना, हाथों में शिव की सेवा लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु एक सेवा का फल मिले, इस माने लिखा कि मेरी बेटी आंख से देख नहीं पाती थी, 18 में उसकी आंख चली गई थी, 2018 19 20 21 22 आंख 23 में रुद्राक्ष उत्सव में आई, बैठ गई, माँ पानी पिलाती रही, बाटल भर भर के लोगों को देते, एक ही काम करा उसने, भर रही है दे रही, हमने कल भी कथा में कहा था कुबेर बाबा के दरवाजे पर आए ना, सेवा करो खूब खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, जितना कर सकते हो करो, पंडाल में कचरा पड़ा है उठाकर एक साइड रख दो, झूठे बर्तन पड़े हैं सफाई कर, हम रोज कहते हैं पानी ज्यादा डूल रहा है, मना कर रहे भैया मत मत, इतना पानी क्यों डूल रहा है, ठीक है सेवा ही है, भोजन परोसा जा रहा है सेवा वाले नहीं है, अपन खड़े हो जाए, हम परस दे भैया, हम खड़े हो जाए, हम कुछ सेवा में हम लगो सेवा में जितना कर सकते, आए हो ना बाबा के दरवाजे पर, बाबा के दरवाजे पर आए हो
तो बाबा से प्रार्थना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, या काम ही क्या है? अपने को कोई गेहूं काटने तो जाना नहीं है, गेहूं काटने जाना हो, चना काटने जाना हो, अपने तो एक ही काम है, क्या करना है? जम के बोलो सुबह से उठो, एक लोटा जल, बाबा की आरती, भजन, नाम जाप, स्मरण, कीर्तन, बस ये करा, कथा सुनी, शाम हो गई, प्रदोष काल की आरती का दर्शन कर लिया, दर्शन करा, अपना प्रसाद पाए, फिर अपने पंडाल में आ गए। वो तो इस बार थोड़ा बहुत रात्रि में भजन भजन थोड़े बहुत हो रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं था, हम तो रखते ही नहीं, पर शाम को हमने कभी भी, आपने देखा होगा ज्यादा भजन संध्या वगैरह कभी नहीं करते, क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग दिन में कथा सुनने के बाद रात्रि को उस कथा का मनन चिंतन करो, जहां बैठे हो अपने हाथ से ढोलक बजाकर भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, आए भजन करे, कीर्तन करे, उसको शिव तत्व को जान जाना, औगड़ी शंभू को जान जाना, और तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु आशुतोष भगवान का स्मरण हमें खाली नहीं छोड़ता, आशुतोष भगवान का स्मरण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता, आनंद प्रदान करता। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश तीनों सृष्टि की लीला को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।